However, where such correction are not possible, there could be assistance to have children through certain special techniques. In first, सबसे पहला आता है IVF. आपने IVF का नाम सुना होगा. इसको इंड्रो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जी, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ये होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इनटू सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रो ट्रांसफर इन वन ऑफ सच मेथड. इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जा सकता है. इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता ये है कि जो ओवा जो होता है वो वाइफ से लिया जा सकता है या फिर जो फीमेल जो पार्टनर होती है उसको उससे लिया जाता है, और स्पर्म्स जो होता है वो हस्बैंड या फिर मेल डोनर जो होता है वो उसे कलेक्ट किया जाता है, और एक सर्टेन आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी. एक लेबोरेटरी में एक कंडीशन पे रख दिया जाता है और फिर एक टर्म पे जो फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके थ्रू इंड्रो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली काम कर रहा होता है. IVF के थ्रू ही बहुत सारे फिल्म स्टार सच एज आपने नाम सुना होगा शाहरुख खान, तुषार कपूर, एकता कपूर बेबी को डेवलप किए हैं. शाहरुख खान का जो थर्ड सन है अब्राम और तुषार कपूर और एकता कपूर भी अपने बच्चों को ऐसे ही डेवलप किए हैं IVF के थ्रू, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू. नेक्स्ट इज आर ZIFT. ZIFT क्या होता है, ZIFT डिजाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रोज विथ मोर 8 ब्लास्टोमर्स इंटू यूट्रस IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर टू कम इंटू इट्स फर्दर डेवलपमेंट. एम्ब्रोज फॉर्म इन वाइवो फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स विद इन द फीमेल. ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू फेलोपियन गिफ्ट. गिफ्ट मतलब आप वो गिफ्ट प्रेजेंट वाला मत समझो. गिफ्ट मतलब होता है गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल. इस गिफ्ट टेक्निक के थ्रू जैसे कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी, तो जो डिसऑर्डर्स जो होता है वो अगर मेल पार्टनर के अंदर होता है तो जो फीमेल जो होती है उसके अंदर मेल स्पर्म्स इंसर्ट किया जाता है दूसरे का, जिसके थ्रू बेबी को डेवलप किया जाता है, एम्ब्रो फॉर्मेशन कराया जाता है. नेक्स्ट इज हम आर्स ICSI जिसे हम कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन. ये एक स्पर्म्स का इंजेक्शन होता है जिसके थ्रू एम्ब्रो फॉर्मेशन करा जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर एम्ब्रो फॉर्मेशन होता है. ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्योर टू फॉर्म एन एम्ब्रो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम. ICSI जो होता है एक इंजेक्शन जो होता है जो डायरेक्टली ओवम में लगाया जाता है, इंजेक्टेड किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो और एम्ब्रो फॉर्मेशन हो. AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इट एजुकुलेट्स कलेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. इन दिस टेक्निक द सेमन कलेक्टेड आइदर द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इन टू वेजाइना और द यूट्रस इन द फीमेल. ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू दूसरे मेल अगर किसी मेल का स्पर्म बहुत ही कम है, लो है, तो दूसरे मेल का जो स्पर्म होता है वो लेकर फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है ताकि वो फर्टिलाइज होकर के उसको बेबी हो सके. और अगर इन सभी टेक्निक अगर फेलियर अगर हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चे को एडॉप्ट करना. ये ऐसा एक टेक्निक है जिससे कि कोई ऑर्फन है, अगर ऑर्फनेज में रह रहा है, अनाथ आश्रम में रह रहा है, अगर आप उसे एडॉप्ट करते हो, उसके पास पेरेंट्स नहीं है तो उसको पेरेंट्स मिल जाएंगे, आपके पास बच्चे नहीं है तो आपको बच्चे मिल जाएंगे. ये एक बेस्ट टेक्निक है. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल बहुत ही करेक्ट है ये.
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक